हाय ऑल दिस इज आंजली एंड वेलकम टू माय चैनल सो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज द एक्जैक्ट सिलेबस एंड हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस गोल कोड 308 फॉर सी एंट्रेंस एग्जाम सो एग्जाम्स्रलाइज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जो आपके होंगे फॉर यज एडमिशन उसमें अगर आपने सी या आई को एज अ गोल सेलेक्ट किया है तो आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है सो लेट्स चेक द सिलेबस एंड द एग्जामिनेशन पैटर्न सो so, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सेक्शन ए जो रहेगा वो कंपलसरी रहेगा सी वाले स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज आई वाले स्टूडेंट्स के लिए तो सेक्शन ए में पंद्रह क्वेश्चन होंगे जो कि कंपल्सरी हैं आपको करने ही करने हैं चाहे आपने कोई सा भी ऑप्शन चूज किया हो सी या आई सेक्शन बी में आपको दो सेक्शंस दिए जाएंगे बी वन एंड बी टू जिसमें तीस एमसीक्यूज होंगे और आपको उसमें से बीस करने हैं सो थर्टी में से ट्वेंटी सो इन टोटल थर्टी फाइव एम सी क्यूज आपको पूरे टेस्ट में करने होंगे सो so थर्टी में से ट्वेंटी यू हैव टू डू आप चूज कर सकते हो जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो बी वन कंप्यूटर साइंस के लिए है बी टू आई पी के लिए है तो कोई एक करना है अगर सी एस आई आपने चूज किया तो आप बी वन करेंगे अगर आपने आई पी चूज़ किया है तो आप बी टू करेंगे लेकिन सेक्शन ए हर किसी को करना पड़ेगा सो so, ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो आपने ट्वेल्थ में नहीं पढ़े होंगे सी वालों ने आई पी सिलेबस के आई वालों ने सी सिलेबस के और जिनके पास दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं था ट्वेल्थ में उनको तो दोनों ही करने पड़ेंगे सो so, देखते हैं कि वो टॉपिक्स क्या हैं तो so, अगर आप सेक्शन वन का सिलेबस देखते हैं यहाँ पर तो पहले है एक्सेप्शन हैंडलिंग सो विच इज इन डिटेल ओवर ओवेह सी एस में इसकी बस एक हल्की फुल्की सी इंट्रोडक्शन थी ट्वेल्थ में वन वी वर्क विद बाइनरी फाइल्स लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ना है तो ये टॉपिक एक तरह से सी एस आई पी दोनों के लिए ही नया है तो ये पूरा टॉपिक मैंने कराया हुआ है ऑलरेडी चैनल पर उसको हम यहाँ डिटेल में करेंगे इस पर क्या एम सी क्यूज आ सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे सो तो ये पूरा का पूरा जो आपका रहेगा ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कवर करना पड़ेगा दोनों को सी एस और आई पी वालों को फाइल हैंडलिंग सी एस वाले स्टूडेंट्स ने ट्वेल्थ में पढ़ लिया है है ना और आई वालों ने नहीं पढ़ा है तो आई वालों को टेक्सट फाइल और बाइनरी फाइल पढ़ना पड़ेगा डेटाबेस बेस कंसेप्ट इज कॉमन फॉर सी एस एंड आई पी आपने दोनों ने ही इस चीज़ को पढ़ा हुआ है ठीक है इसमें कुछ टॉपिक्स हैं डिफरेंट थियोरेटिकल जैसे कि सेट डिफरेंस कार्टीजन प्रोडक्ट यूनियन तो ये आपको करा दिए जाएंगे सो दिस इज वॉट यू हैव टू रीड एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अगैन सी एस आई पी दोनों ने किया हुआ है लेकिन ये जो पार्ट है मैथ फंक्शंस और डेट फंक्शंस और टेक्स्ट फंक्शंस ये हमने आईपी में किया है सीएस में नहीं किया है तो सीएस स्टूडेंट्स को ये फंक्शंस करने पड़ेंगे छोटा सा टॉपिक है बहुत बड़ा नहीं है एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड तो दिस इज व्हाट दे हैव टू डू तो सीएस स्टूडेंट्स नीड टू डू दिस टॉपिक टू कवर देयर दिस सिलेबस अगैन कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉमन आप पहले ट्वेल्थ में पढ़ चुके हो वही सब कुछ है सो so जो ट्वेल्थ में पढ़ा है वही यहाँ पर भी है टॉपिक्स यहाँ पर लिख रखे हैं सो so आप यहाँ से देख सकते हैं तो इन टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में सो इन शॉर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग सबको पढ़ना है नया टॉपिक है फाइल हैंडलिंग आईपी वालों को पढ़ना है क्योंकि उन्होंने ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा और इंडिविजुअल रो फंक्शन सी वालों को पढ़ना है क्योंकि उन्होंने ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा रेस्ट आप सब कुछ ट्वेल्थ में पढ़ चुके हो सेक्शन ए के लिए देन हम आ जाते हैं बी वन पे कंप्यूटर साइंस में अगेन एक्सेप्शन हैंडलिंग फाइल हैंडलिंग ऊपर वाला ही आ गया ठीक है देन यू हैव स्टैक सो स्टैक आपने पढ़ा है तो ट्वेल्थ में इनफिक्स टू पोस्टफिक्स सिलेबस में नहीं था बट यहाँ है सो कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एंड इवेलुएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वो हम यहाँ पर करेंगे डिटेल में कि प्रीफिक्स इनफिक्स पोस्टफिक्स क्या होता है और कैसे कन्वर्जन होती हैं Q ट्वेल्थ के सिलेबस में डिडक्टेड है लेकिन यहाँ पर आपको करना है सो वी विल बी वर्किंग विद क्यूज कि किस तरह से आप लिस्ट को एज अ क्यू यूज़ कर सकते हो दंदीज टॉपिक्स जो कि 11th कंप्यूटर साइंस में थे बट अगेन रिड्यूस्ड हैं सिलेबस में से डिडक्ट कर दिए गए थे बट अभी आपको पढ़ना है कि सर्चिंग क्या होती है लीनियर सर्च बाइनरी सर्च क्या होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है

जिसकी हेल्प से हम ये मीन एवरेज मोड वगैरह सब निकाल सकते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा आईपी में था पर सी में नहीं था लेकिन करना पड़ेगा दैट इज चार्ट कैसे बनते हैं डेटा बेस्ड यू हैव ऑलरेडी डन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज वही सेक्शन ए वाला आ गया आपके पास नेटवर्क आपके पास सेक्शन ए वाला आ गया तो वो सेम टॉपिक्स है ठीक है तो बेसिकली सी वाले बच्चों को जो नया करना पड़ेगा वो है क्यू सर्चिंग सॉर्टिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन अलॉन्ग विद एक्सेप्शन हार्डिंग नए टॉपिक्स हो जाएंगे आपके लिए आई पी पे अगर हम आते हैं आई पी वाले स्टूडेंट्स को एसक्यू एल ये सारा आपने किया हुआ ठीक है अब जॉइंट आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तो जॉइंस हमने नहीं किया हुआ सेट ऑपरेशन कार्टीजन प्रोडक्ट और जॉइंस जो ट्वेल्थ में नहीं था बट आपको सीयू टी के लिए करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू पांडास ये आपने सब किया हुआ है लेकिन सिलेबस में से ये यूनिट डिडक्टेड है पूरे साल बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम यूनिट टू है या नहीं है यूनिट टू है या नहीं है तो नहीं है बेटा

डेटा कम्युनिकेशन इज मोर और लेस रिलेटेट टू कम्प्यूटर नेटवर्क ओनली वही टर्म्स हैं जो आप नेटवर्क में पढ़ चुके हो सिक्योरिटी आस्पेक्ट्स में भी वही सब कुछ है जो हम इन अवे सोसाइटल इम्पैक्ट या कम्प्यूटर नेटवर्क में पढ़ चुके हैं बट यू जस्ट नीड टू रिवाइज फॉर दैट सो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो नई हो जाएगी आईपी वाले बच्चों के लिए वो है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास टू ये यूनिट आपने कभी भी नहीं पढ़ी है सो दिस इज वॉट यू हैव टू लर्न बाकी सारा वही है जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है सो so, कंक्लूड कर दूं अगर मैं तो सी एस वालों को एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है एक्सेप्शन हैंडलिंग सर्चिंग सॉर्टिंग क्यू एंड डेटा विजुअलाइजेशन अलॉन्ग विद योर ट्वेल्थ क्लास सिलेबस और आई पी वालों को एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है फाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास टू सो दिस इज वॉट यू हैव टू स्टडी एक्स्ट्रा देन योर ट्वेल्थ क्लास सिलेबस सो ये टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं एमसीक्यूज आएंगे पैंतीस एमसीक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे यहीं से करोगे, पे सिलेबस देख रहे हो भाई, डे ना बी so, किसी किसी टॉपिक पे प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आप प्रैक्टिस करोगे इसके साथ साथ एल कोडर्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो सो ए एल कोडर्स ऐप के ऊपर वी हैव अ कोर्स फॉर सी यू टी ठीक है दैट इज अवेलेबल फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस एंड उस पर भी सिक्सटी परसेंट डिस्काउंट है और उसका फायदा जो होने वाला है देखो एम सी क्यूज तो मैं आपको यहाँ पे भी प्रैक्टिस करा दूंगी ठीक है सो एम सी क्यूज तो हम यहाँ पे भी प्रैक्टिस करेंगे लेकिन ए एल कोडर ऐप पर जो आपके पास फायदा होगा वो ये फायदा होगा आपको कि आप वहाँ पर Uh, जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे सो आई विल प्रोवाइड यू मॉक टेस्ट पेपर्स तो प्रॉपर पेपर जैसा माहौल होगा क्योंकि ये आपका जो होने वाला है दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसमें आपको वहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे एंड चार ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना होगा एक टाइम लिमिट होता है प्रेशर होता है तो उसके अंडर आप कैसा परफॉर्म करते हो वो आप बहुत अच्छे से चेक कर पाओगे एंड वो मॉक टेस्ट आपको इस कोर्स में मिलेंगे सो दिस इज द कोर्स फॉर सी एस आई पी फोर नाइन का है लेकिन GRAB60, active, से, आप इस पे 60 ले लोगे, तो आप फाइव हंड्रेड कैन वेरी वेल कैलकुलेट सो हार्डली टू हंड्रेड रुपीज टू पे ठीक well so है उतने में तो बंदा एक कुरकुरे मोमो खा पाता है, है ना सो so, इसमें आपको पूरा का पूरा लेक्चर्स मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे मोर ओवर एवरी वीक वी विल्स तो आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप उस लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं सो यू कैन गो अहेड गेट दिसरी डे न्यू कंटेंट ऑन दिस एंड चैनल पे तो रोज एक वीडियो आएगी ही जिसमें हम हम सीखी उसकी प्रैक्टिस करेंगे सब्सक्राइब so, कर लीजिए अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इस कोर्स के लिए मैं बेसिकली कह रही हूँ कि लेक्चर और वो तो आपको चैनल पे भी मिल जाएंगे ठीक है बट टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं कितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट देने के लिए जरूर आप इस कोर्स को ले लीजिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको सो यू कैन गो अहेड फॉर दैट एंड बाकी सब कुछ मैं आपको चैनल पे भी प्रोवाइड करूंगी तो फटाफट -फड़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या आई को सिलेक्ट किया है एज अ गोल फॉर गिविंग दी सी यू टी एंट्रेंस एग्जाम एंड ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप डाउनलोड कर लो क्योंकि जब आप सी यू टी का कोर्स चाहे आपसे ना भी करो बट आगे जाकर आप बी सी ए करोगे बी एस सी करोगे बी टेक करोगे सो so, जो भी कोर्स करोगे उसमें जितने भी कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं और जो कोर्सेज होते हैं वो सबके कोर्सेज आपको ऐप आप पे मिल जाएंगे सो so, आपके पूरे कॉलेज के कोर्सेज का ध्यान यहाँ रखा जाएगा अलॉन्ग विद योर प्लेसमेंट ट्रेनिंग सो दैट ऑल विल बी डन ओवर हर सो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो आई विल सी यू सून बाय नाउ टेक केयर ऑल ऑफ़ यू